नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल देसी पना में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी से संबंधित है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है, इसका निर्माण कई सौ शताब्दी साल पहले हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1196 या 1226 में माना जाता है। कहा जाता है कि उड़ीसा के शासक अंगद भीम देव जी ने साल 1226 के करीब इसका वर्तमान रूप दिया था। माना जाता है कि यह मंदिर में 18 बार आक्रमण हुआ था। 16वीं शताब्दी के मुसलमान धर्मतरित जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर पर हमला किया था। ईयर 1958 में काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया था और मंदिर की मूर्तियों को चिल्का झील में छुपा दिया था। बाद में रामचंद्र के खुर्दा राज्य के स्वतंत्र विकसित होने के बाद इस मूर्तियों को निकाला गया और वापस बहाली हुई। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में है। यह हिंदू धर्म के चार धाम तीर्थ स्थानों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में विष्णु की लकड़ी की मूर्ति है। यहाँ पर हर साल रथ यात्रा का महाउत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आइए आज आपको जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यमय और रोचक बातों के बारे में जानकारी देते हैं। जगन्नाथ मंदिर का चमत्कार के बारे में क्या कहें। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं बनती, क्योंकि सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती है। मंदिर के ढांचों पर परछाई बनने के कारण यह नीचे जमीन तक जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे एक ऐसा सुदर्शन चक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है, इस बात पे भी एक मान्यता है कि राजा को लगा कि अब मूर्तियां बनने का कार्य संपन्न हो गया, तब राजा ने इस गलतफहमी में दरवाजा खोल दिया, जिस कारण से विश्वकर्मा भगवान दरवाजा खुलने से चले गए। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है। यहाँ जगन्नाथ भगवान को सुबह शाम रात महाप्रसाद का भोग लगता है, जिसमें दाल चावल सारी मिक्स वेजिटेबल बनती है और रोज यह भोग भगवान को अर्पित होता है। यही भोग सारे भक्तजनों को भी प्रसाद के रूप में वितरण होता है। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।